बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डबल एफ यू कुकिंग टीवी में आपको वेलकम। व्यूवर्स उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश और अपनी लाइफ में बिजी होंगे। आज व्यूवर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जी दही भल्ले। भल्ले लेकर आई हूँ, भल्ले जी मेरे पास होममेड हैं। ये रेसिपी मैंने आपके लिए बनाई थी लेकिन वो किसी वजह से अपलोड नहीं हो सकी। हाँ जी, ये मैं फिर आपको कभी बना कर दिखाऊँगी। आज मैं दही भल्ले बना रही हूँ और उनके साथ मैं भल्लियाँ, आलू और ये कुछ सामान ऐड करूंगी। आप देखिए, आपको उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आएगी। इसके लिए जी सबसे पहले हम डिश आउट करने के लिए जो भी हमने बर्तन लेना है वो लेंगे। उसके अंदर हम लगाएंगे व्यूवर्स भल्ले। आपने जिस किस्म का भी बर्तन लेना है ना, उसी किस्म की क्वांटिटी फिर होनी चाहिए। उतनी क्वान्टिटी के हिसाब से आपने देखना है। व्यूवर्स मेरे पास जी दही है, हाफ के जी मेरे पास दही है। इसके अंदर मैंने यहाँ पर रोस्टेड डाला है जी ज़ीरा, साथ में नमक और थोड़ा सा इस जगह पर हम चाट मसाला ऐड कर देंगे। बाकी चाट मसाला हम ऐड करेंगे बाद में। अब व्यूअर्स इसके ऊपर थोड़ी सी लेयर हम लगाएंगे। थोड़ी सी लेयर लगाने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे व्यूअर्स पकौड़ियाँ। पकौड़ियों के साथ शामिल करेंगे आलू। ये व्यूवर्स मेरे ठंडे हैं, आपने ठंडे करके शामिल करने हैं। बॉयल किए हुए आलू हैं, बिल्कुल ठंडे किए हुए। और इसके अंदर जाएगा जी व्यूवर्स, यहाँ पर मैं डालूँगी रेड चटनी। व्यूवर्स ये रेड चटनी मैंने ना बनाई हुई है अपने चैनल पर, मीठी चटनी। आप सर्च करेंगे अगर रमज़ान की स्पेशल चटनी समोसे और पकौड़ों वाली, कचौरियों वाली, तो ये आपको मिल जाएगी जी व्यूअर्स। इसके अलावा भी आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, आपको जो पसंद है। मुझे फ़िलहाल ये अवेलेबल थे इसलिए मैंने ये डाल ली। अब इसके अंदर जी जाएगी ये चटनी। इस चटनी के भी मेरे चैनल पर रेसिपी मौजूद है, अगर आप चाहें तो ये चटनी भी देख सकते हैं, ग्रीन चटनी। अब इसके ऊपर जाएगा व्यूअर्स हमारा ये बाकी का दही। बाकी का दही डालकर हम इसके ऊपर अपनी पसंद का चाट मसाला डालेंगे जी व्यूअर्स। इसके ऊपर से हम डालेंगे चाट मसाला और थोड़ा सा डाल देंगे इसके ऊपर धनिया, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत लगे जी व्यूअर्स। मेरी वीडियो कंप्लीट है, इसका व्यू मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये हमने किस तरह से बनाई है। उम्मीद है आप कुछ देख पा रहे होंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी बनी है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है व्यूअर्स। इसके अंदर आप ज़रूर रोस्टेड डालिएगा ज़ीरा, उससे आपको बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।